नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं डिकैथलॉन में, लखनऊ में, और देखते हैं एक टेंट और भी क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अगर कुछ हमारे काम की चीज़ें मिल जाती है तो यहाँ से हम खरीदते हैं। और वैसे यहाँ जो डिकैथलॉन में जो सामान मिलता है, काफ़ी कहते हैं कि काफ़ी अच्छा होता है, क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। और मुझे यहाँ पे देखिए एक टेंट दिखा, ये बाहर ही लगा रखा टेंट इन्होंने, तो डिकैथलॉन अपने स्टोर के बाहर ही टेंट लगा रखा है। और अगर पसंद आए तो, हालांकि 3 पर्सन वाला काफ़ी बड़ा है, हमें 2 पर्सन का ही चाहिए, तो अगर ठीक ठाक दिखा और जो थोड़े में सिमट जाए, तो ऐसा कोई टेंट मिल जाए तो ले ही लेते हैं। फिर आगे देखते हैं कुछ कैंपिंग वैम्पिंग का भी कुछ जुगाड़ किया जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं वीडियो वीडियो बना पाते हैं कि नहीं। तो अंदर चलते हैं, कुछ खरीदते हैं और कुछ वीडियो भी बना लेते हैं। तो अभी डिकैथलॉन के स्टोर में हूँ और एक मैंने यह विंचिटर टाइप का ले लिया है, और सही है भाई, सही है। 999 का है ये, 2XL मिला है और बिल्कुल साइज मुझे बिल्कुल फिट बैठ गया। तो अभी देखता हूँ और क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं, मज़ा आ गया यहाँ आकर के। और मुझे लग रहा था पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे, मेरी ही ज़रूरत की सारी चीज़ें, राइडिंग की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप साइकिलिंग करते हैं और अगर बाइकिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, यूजफुल की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मज़ा आ गया भाई, पहले क्यों नहीं आया ऐसा लग रहा है। ये वाला जूता थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये रेनी वेदर के लिए है और वाटरप्रूफ है, ये ठीक हो सकता है मेरे लिए, वैसे बाइकिंग के लिए ना। पर 3000 रुपये का है भाई, रेनी वेदर लाइट एंड वाटरप्रूफ, प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड वेजिटेशन, वाटरप्रूफ भी है। ये सारा स्टोर है सूझ का, ठीक लग रहा है थोड़ा सा। और इधर भी ये इस तरह के बड़े बड़े जूते दिख रहे हैं। ये टेंट वाले सेक्शन में है और ये 2 पर्सन वाला 1999 का है, और एक 2 पर्सन के लिए ऊपर 3499 का है। मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा ले लूँ इसमें से। तो ये वाला मतलब वेट तो लगभग सेम है, ये 2000 वाला है और ऊपर एक जो है 3500 वाला है, तो ले लेते हैं एक, कोई भी ले लेते हैं अभी बेसिकली। वैसे कन्फ्यूजन तो हो रहा है, एक नीचे भी और है इनके पास, बड़े बड़े साइज़ के, अलग अलग साइज़ के हैं। और इसके लिए मैट्रेस भी एक हमें लेना पड़ेगा, और हमारे पास वो तो है मतलब, बाकी और सारी चीज़ें हैं। तो देखता हूँ कौन सा लेना है, एक बार डिसाइड कर लेता हूँ। ये 2 कैप ले लिया और एक जैकेट, एक टेंट, चलते हैं घर की ओर। तो भाई डिकैथलॉन से सामान खरीद के बाहर आ गया हूँ, अब चलता हूँ कोई बस वगैरह मिल जाए, जाने का साधन मिल जाए घर वापस जाने का, तो निकल लेते हैं सीधे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी क्वालिटेटिव चीज़ें हैं, और ऐसा लगता है कि फॉरेन से इम्पोर्टेड सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पैसा पे कर रहे हैं तो क्वालिटी मिल रही है, बढ़िया है। हमने भी 4 चीज़ें खरीदी हैं और 3100 कुछ, एक टेंट ले लिया है, टेंट का वीडियो अलग से बनेगा, आपको दिखाऊंगा लगा पाता कि नहीं लगा पाता हूँ। और एक मतलब पूरे सिर को ढकने वाला कवर टाइप, आँख खुली रहेगी, बाकी इस तरह का मैंने एक लिया है, और एक कैप भी लिया छोटी सी ब्लैक कलर की और एक जैकेट लिया। तो इतनी सारी चीज़ें ले लिया हूँ और भूख भी लगी है, घर भी जाना है, शाम के 5 बज गए हैं, देखते हैं निकलते हैं अब यहाँ पे। और डिकैथलॉन का बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, हमने सोचा क्या बोलेंगे क्या नहीं कहेंगे, हालांकि वो कह रहे थे ठीक है बना लो कोई बात नहीं है, तो थोड़ा बहुत बनाया हूँ, मैं आपको दिखाऊँगा। और एक दोस्त भी है, फ़ोन करता हूँ, अगर उससे मुलाकात होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ सीधे यहाँ से निकल लेता हूँ मैं। यहाँ मेरे पापा ने लिया है एक टेंट, एक स्वेटर, ये देखिए ऐसा दिखता है टेंट। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ओह, ये देख रहे हैं क्या लेके आए हैं,
ये इसका जो है वो है, मतलब टेंट को कैसे लगाना है। 2 पर्सन का टेंट लेके आया हूँ। और इधर लाओ जी, डिकैथलॉन का है, ये देखिए। मुझे लग रहा है 2-2.5 किलो का होगा। एग्जैक्टली वेट मैंने देखा नहीं कितना वेट है इसमें लिखा हुआ। वेट 2.5 kg, 2.5 किलो का है। और जो दूसरा मैं 3,500 का देख रहा था वो 3.5 किलो का था, इससे ज़्यादा भारी था। तो ये 2.5 किलो का है, तो फिलहाल अब लग रहा है कि सही किया हमने, 2.5 किलो का ही ले आए। तो अभी पहली बार, हमने कभी इसको लगाया नहीं है, लेकिन पहली बार इसको लगाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए लगा के देखते हैं। इन लोगों को बड़ी उत्सुकता है कि इसमें कैसे क्या होने वाला है। चलिए फटाफट इसको इसको खोल देते हैं। ये प्लास्टिक का अपने यहाँ पे स्ट्रिप लगा हुआ है। और हटो जी, हटो जी, हटो जी। अच्छा, ये कवर, ये इसका कवर निकला, ठीक है। इसका कवर रख देते हैं किनारे। एक अब ये मेन को ये, अरे ये तो जी रस्सी निकली बांधने वाली। तिरपाल का क्या? हाँ उसी करेंगे। ओ ये शायद कैसे कैसे लगेगा, मैंने कभी आज तक लगाया नहीं है। वहाँ सीखे नहीं, वहाँ लगा है। तो पहले फैलाओगे रुको, उसको इसे रहने दो। इसको घुसने का किधर बनाते हैं? ये रहने दो, उसको इसे रहने दो। हाँ दो लोग सो पाएंगे, ठीक। हाँ तो तुम वो ठंडी दो, रहने दो, उसको रहने दो। ए आसू रुको भाई रुको, तुम लोग जल्दबाजी न करो। ये हमने इसको बिछा दिया है, और अब हमारे पास ये आ गया। इसको कैसे लगाना है देखते हैं। ये तो बना है, से भी बच्चे में जाएगा। ये शायद 2 पीस है क्या इसमें, ये कहीं हाँ पीस हाँ दो दो, है। एक में डबल है, वो सीधा करने वाला है। एक पकड़िए। हाँ चढ़ी चढ़ी सब एक ही में है। नहीं कहीं नहीं नहीं रहा पापा, थोड़ा आगे आओ। ऐसे बिछाओ आसू इसको, ऐसे उधर से। इसमें रस्सी चिपकी तो लग रहा है मकड़ी, बड़ा बड़ा पैर। रुको, छुड़ाना नहीं है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्या पता उसके अंदर घुसाना। हाँ ऐसे डालो, इसको डंडे बनाओ, इसको घुसा दो इसमें। रुक सीधा करो सर। पापा ये देखो पापा, पूछा जगह जहाँ जहाँ चाहिए उतने इस्तेमाल करना है। पापा अरे हाथ उठाओ, ये तो पूरे कमरे की हो गई। अरे इस तरह मत करिए, हटो, ऐसे ही रहता है जी। अरे वो वहाँ नीचे फंसाओ इसमें, इसे फंसाओ उसमें डालो। पहले एक लगाने दो शुरू, खुद पहले एक लगाने दो, उसमें डाल दो। अरे रुक जा सुतुर, दरवाजे में हो गया, ठीक है। रुको जी पकड़ो बीच में से, तो अकेले लगाने के बस का भी नहीं है। 10-20 लोग चाहिए, 4 लोग, 2 जने काफी है। पता नहीं इसमें इसमें लगेगा कहाँ लगेगा। हाँ एक इधर से एक उधर से, बस नहीं इसमें नहीं लगेगा। इसको ये पकड़ो जो तुम्हारे ऊपर है, जैसे मैंने लगा ये वाला, ये वाला, ये हाँ उसमें नहीं लगेगा। मतलब ये तो जो ये कोने बना कपड़े का, आराम से उसमें डालो और थोड़ा। अब सही कपड़े डालो ना, पकड़ो रिसो, पकड़ो पकड़ो रिसो, पकड़ लिए छोड़ो। हाँ चलो इधर।
अंदर फंसा हुआ है कपड़े में। इसमें जाए हाँ पकड़े रहो जी। इसमें सिर्फ तीन लोग चाहिए से। अरे ये तो आसान है। अरे नीचे लगा उसके कहाँ लगा फंस रहा है सब लग गया। अच्छा अब ये कहाँ जाएगा? अब घर में घुसेगा कौन ये बताओ। मैं घुसूंगा मैं सोऊंगा। अरे ये देखो अरे रिसु घर में घुस गई अंदर चली गई। इससे लगाओ सो उसी हटो तो हटो तो अभी ये ऐसे लगा अब इसके ऊपर ये पड़ेगा वाटर प्रूफ। हाँ ये चैन वाला होगा इसमें आगे की वही है वही चैन। अरे खोल खोल चैन है कलर भी खोल लूँगा रहने दो रहने दो खोल दो भरा बंद कर भरा रहने दो अंदर और इसको लगा दो हंसा दो लग गया सु लग गया हर चाहत टेंट में सोएंगे। अरे रिसु फंस गया। अरे रिसु वही लगा है। अरे रुको कैसे निकल के आई है खोलो इसको चैन भाग क्यों आई हवा चल रही है तो मुझे भी घुसना है। भाई देखो जाली लगी है आराम से बंद करना चैन खराब मत कर देना। ये तो आसुरिसु का महल आ गया। ये दोनों घुस गए इसके अंदर टेंट के अंदर चले गए दोनों। कैसा आसु घर बहुत अच्छा। आप लोग भी घुस कर देखो आप लोग आ जाओगे हम चारों आ जाएंगे क्या आओ चल के अंदर चल के देखते कैसा लगता है। अरे ये आग उतार तो नहीं बहुत गर्म लगेगा अंदर लग रहा है शिवराज की तानी है। ये भी मैंने वहीं से खरीदा है ये 999 रुपए का बहुत बढ़िया मस्त मिल गया। अब अगली बार और बड़ी खरीद है। खोलो तुम लोग दरवाजा ओपन द डोर आशु एंड रिसु हम लोग भी आ रहे हैं उसी के अंदर। फटाफट हमने पहली बार में ये टोपी हटा देता हूँ गर्मी आ गई लगाते लगाते ये सब घुस गए तीन के तीनों घुस गए। अब मैं भी जा रहा हूँ अंदर इसके अंदर चलो 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 अंदर चलो जल्दी हम भी आ रहे हैं। ये देखिए टेंट हाउस का मजा लिया जा रहा है। बंद करो जी
ये तो काफी जगह है इसके अंदर। ये दरवाजा बंद कर रहे हैं अभी, बाहर वाला ना बंद करो, खाली अंदर वाला बंद करो बस। हाँ बस 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 बस, ये देखिए ऊपर जाली लगा हुआ है और अंदर ये ऊपर यहाँ लाइट टांगने के लिए है ये, और यहाँ पे अच्छा पापा इसमें सामान वामान रखने के लिए नहीं दिया है ना। ये क्या है पापा? कहाँ देखें, हाँ कुछ सामान वामान रखने के लिए बना हुआ है, लटका दीजिए ऐसे। मम्मी घूर रही है, ये तो मजा ही आ गया। चार लोगों का ले लें तो हम लोग होटल वोटल का काम खत्म। हटो जरा सोए तो। ए मम्मी को तो आने दो, आ जाओ। अच्छा मम्मी को भी, तुम किनारे हो दोनों, आओ भाई तुम भी आओ। लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ रिशु। हाँ जी, कैसा लगा टेंट हमारा? टेंट बहुत अच्छा है, बढ़िया है। देर के बाद मौका मिला अंदर आने। लाइट गई, ये तो सही में चार लोग आ जाएंगे, ये बैठे बैठे खाना पीना। अच्छा हमें सो के देखने दो, जरा सोने के लिए दो, ये लो कंफर्टेबल कैमरा। हाँ जरा सो के देखते हैं कैसा आ रहा है। रुको, हाँ सही है, एकदम मस्त है। देखो तकिया लगा, एकदम पैर पूरा फैल जा रहा हो, देखो पीछे देखो। अरे सोनी अब तो कमरे वमरे की जरूरत ही नहीं है, एकदम मजा ही आ गया। इसमें गर्म भी लग रहा है, ठंडा भी नहीं लगेगा। हाँ जी है। क्या हाल है? ठीक है, मजेदार। हाँ रिशु बच्चा, गर्मी लग रही है। मेरा टेंट कैसा है? इसमें हवा हवा नहीं आ रही ना, इसलिए रिशु को गर्मी लग रही है, कह रही है मुझे यहाँ से। ये वाला खोल दो, इसमें से हवा आएगी। ये तो खुला तो है। बाहर वाला बंद कर दिया क्या? बाहर वाला खोल दो, हवा में यार आती रहेगी। यहाँ भी जाली लगी देखो, ए इधर भी जाली लगी है। ये तो बहुत बढ़िया, हवा ही रोक दे रहा है। ये तो लग रहा है हमें तीन लोगों वाला लेना चाहिए था। मम्मी क्यों घुसती, कैसे घुसती फिर? दिखाओ, मैं सो जाऊं। हम कितने लोग बैठ गए, चार लोग इसमें, दो लोगों के टेंट में चार लोग घुसे हुए हैं, देख रहे हैं। आंसू इधर सोया है, रिशु इधर पीछे बैठी है, रिशु की मम्मी उधर बैठी हुई है। देखो चारों के चारे एक ही टेंट में आ गए। अब सही लग रहा। तो कल इस टेंट का इस्तेमाल किया जाए हो मैडम जी? कल तो आप निकल रहे हैं। अरे आई पूरा खोलो, चलो बाहर लगाए, चल कहीं चलते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तब वो चार लोगों वाला चाहिए ना टेंट के लिए, एक चार लोगों वाला भी आता है, दो खरीद लेते हैं। पर तीन वाले में चार लोग आ जाएंगे जो वहाँ लगाया था, आराम से। जैसे दो में तीन हम, अरे हम लोग भी आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मजा ही आ गया एकदम, क्यों हवा नहीं आ रही। अब ये दो पर्सन का हमने लिया है, अब हम चार का लेंगे जिससे हम पूरा परिवार ही सो जाए, अब होटल का खर्चा खत्म। एकदम बिल्कुल हवा हवा भी नहीं आ रही है, एकदम ठंड ठंड के लिए बहुत बढ़िया है। होटल में रहने की जरूरत नहीं, किसी घर में कमरे में आराम से लगाओ, सो इसी में और खाना पकाओ, सो जाओ आराम से टेंशन फ्री होके। एक साइड सामान रख लो, एक ही आदमी को सोना है, आराम से सो बढ़िया से। सामान भी अच्छे से आ जाएगा, दो लोग रहेंगे आराम से सो भी जाएंगे। सामान न रहे तो दो लोग नहीं, चार लोग, दो लोग नहीं नहीं बच्चे सही थे, हम लोग चारों आ जाएंगे। अगर सामान नहीं है, सामान है तो दो ही जने आएंगे। नहीं कार में सामान रहेगा ना, चार लोगों के लिए नहीं है ये, दो लोगों के लिए। लेकिन तीन आ सकते हैं, तीन, हाँ तीन बच्चों वाले में, इसमें तीन बच्चे सही तीन आ सकते हैं। चलो अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? रिशु बाहर घूम रही है, पीछे से धपक धपक कर रही है और हम लोग अब यहाँ से निकल बहुत एक्साइटेड हो रही है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। रिशु रुक जा अभी, ये देखो तो लाइक की जरूरत ही नहीं है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब हम लोग निकलते हैं बाहर की ओर। ये भी आ रही है, कहीं मुझे भी आने दो। अच्छा ठीक है, बंद करें अब। चलिए ठीक है, चलो बाय बाय, बाय कर दो, बाय बाय।